हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको येलो जेलो बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी चीनी, 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, इससे बहुत बेहतर स्वाद आता है, 3 बड़े चम्मच मैंने घी लिए हैं। सबसे पहले मैं मैदे में घी को मिक्स करूंगी। ये देखिए, मैदे में मैं घी डाल रही हूँ। 2 कटोरी मैदा है और 3 चम्मच घी है। इसको इस प्रकार 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद ये देखिए इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। धीरे धीरे दूध डालना है, एक साथ दूध नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। मैदे को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना बहुत ज़्यादा मुलायम, देखना है, धीरे धीरे डालना है दूध। ये देखिए इस प्रकार हो जाएगा। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट बाद इसकी लोई बनाएंगे, छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। ये देखिए छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। इसी प्रकार मैं सब लोई बनाकर रख दूंगी। देखिए सर, मैदे का मैंने लोई बना लिया है। इसे बेलने के लिए मैंने सूखा मैदा यूज़ किया है, आप चाहें तो ऐसे भी बेल सकती हैं। इसे मैंने पूरी के आकार का बेलना है। ये देखिए बहुत पतला बेला है। देखिए आकार आप छोटा या बड़ा रख सकती हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार बेल लिया है। अब मैं चाकू से इसे धीरे धीरे काटूंगी। देखिए इसके किनारे नहीं काटना है, किनारे बचा के काटना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसके किनारे को पकड़ के देखिए इस प्रकार फोल्ड करूंगी। थोड़ा सा दम लगा के किनारे को फोल्ड करते जाना, इतना भी नहीं लगाना कि टूट जाए, धीरे धीरे, और धीरे धीरे आराम से निकालेंगे। ये देखिए निकल गया, और इसे हल्के से दबाएंगे। ये देखिए किनारे। अब मैं घी गरम करूंगी। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकती हैं, उसमें भी बढ़िया लगता है। ये देखिए मैंने बहुत सारे येलो जेलो बना लिए हैं। अब मैं इसे घी में डालूंगी। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। मीडियम आंच पे मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए घी में डालने के बाद ये इस प्रकार से फूल जाएंगे। अब मैं इसे पलट लूंगी। इसी प्रकार से बड़े आराम से इनको पलटना है। ये देखिए जब हल्के भूरे रंग का हो जाए, देखिए हल्के भूरे रंग के दिख रहे, ऐसा हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हल्के भूरे रंग के हो चुके हैं। ये देखिए अब मैंने निकाल लिया है। अब मैं कढ़ाई गरम करूंगी, इसमें तिल डालूंगी। 2 चम्मच तिल है, 2 बड़े चम्मच। इसको अच्छे तरह से भूनूंगी। अक्सर येलो झोलों में तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें किया है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया उभर के आया है। तिल हल्के भूरे रंग का हो जाए, तब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी का प्रयोग यहाँ पे मैंने 1 कप किया है, और चीनी डालेंगे, चीनी 1 कटोरी। चीनी की मात्रा आप अपने अनुसार भी रख सकती हैं। 2 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करूँगी। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई है। एक तरीका तो इसमें यह है कि ये 2 तार की चाशनी बन गई है,
हम येलो जेलो के इसके अंदर डाल के निकाल लें। ये देखिए, एक तरीका तो ये है, डाल के ऐसे निकाल लें। इसमें काफ़ी ये होता है कि काफ़ी मिठास हो जाती है। अगर डायबिटिक वगैरह आपको है तब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए चाशनी को येलो जेलो के ऊपर छिड़क देंगे। ये हमारी चाशनी है, चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, चाशनी गाढ़ी हो गई है। ये अब हम गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को देखिए येलो झोले के ऊपर छिड़क देंगे। इससे क्या है कि मिठास भी कम आती है और स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है। जैसा मतलब मिठास आपको चाहिए, यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चाशनी के अंदर से निकाल लीजिए, और नहीं तो इस प्रकार। ये हमारे येलो झोले